नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के बाद नीतीश नए फॉर्म में दिखे। कई मुद्दों पर बीजेपी और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। 2005 तक की बातें नीतीश ने जग जाहिर कर दी और बता दिया कि बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ने की क्या क्या वजह रही। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति की उथल पुथल किसी से छिपी नहीं है। 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बिहार में किस तरह की राजनीति करनी है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता है। बता दें कि बिहार में नवगठित महागठबंधन सरकार ने बीजेपी के विधायकों के वॉकआउट के बीच आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया और इसी सब के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है। और केंद्र को घेरते हुए सीएम नीतीश कुमार ने मानो पूरे 2.5 साल की कसक निकाल ली। नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी भरोसे के काबिल नहीं है। बीजेपी ने बिहार की सत्ता में रहकर जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की है। तो ये सब काम जो हो रहा था इसी के चलते तो हमको छोड़ना पड़ा। हम जो 17 में छोड़ करके गए और इन लोगों ने जो कोई काम नहीं किया और हम लोगों को नाश करने लगे, हमारे पार्टी के तमाम लोग भीतर से बोलने लगे और अंत में हम लोगों ने तय किया। आप सब लोगों से बात होती थी और ये जब तय हो गया कि हम लोग जो पहले जहां थे वहां पर चले जाएं, अब एक साथ हम आ गए। हम तो आपसे इन लोगों से अलग हुए, आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार विधानसभा में खुद इस सवाल का जवाब दे दिया कि बीजेपी से रिश्ते तोड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया लेकिन दिल्ली वाला केंद्र कहकर सुनाते रहे। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली वाले तो केवल प्रचार में माहिर है, काम बिहार में हो रहा था लेकिन नाम केंद्र का चल रहा था। इस तरह से नीतीश का दर्द भी विधानसभा में सबके सामने आ गया। याद करिए ना 2005 जो हम लोग एक साथ लड़े, 2005 के फरवरी में क्या वोट आया और लास्ट तीसरी बार में हमको घोषित किए थे, तब तीसरी बार कितना वोट आ गया था हम लोगों को। और उसके बाद जब चुनाव हुआ 2005 में तो क्या स्थिति हुई, 88 और 55, और उसके बाद सरकार बनी और पूरा का पूरा काम किए हम लोग। और फिर क्या हुआ था 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम लोग कितना जीते थे, जेडीयू 20 और आप लोग बीजेपी 12। तो हम लोग तो सब करते रहे। और 2010 में चुनाव हुआ तब क्या हुआ, 115, अब आप भी 91, अब मिल करके लड़े, क्या हुआ बताइए। अब आप समझ लीजिए, हम तो नहीं थे तैयार। जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, सॉरी 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही दिख रहे थे, किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए। बता दें कि जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ 7 दलों के समर्थन से बिहार में सरकार बनाई है, उन्हें पलटी मारने वाला कहते हुए कई तरह की बातें कही जा रही है। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान जब विधानसभा में बोलने के लिए नीतीश कुमार खड़े हुए तो उन्होंने बीजेपी से रिश्ते को लेकर काफी कुछ कहा और साथ ही पुरानी बातों को लेकर बीजेपी के साथ रिश्तों की पोल खोल कर रख दी। आजकल प्रचार तो खाली दिल्ली का होता है, खाली दिल्ली का प्रचार होते रहता है, सारा सोशल मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर, सारे प्रेस सब चीज पर कब्जा, और इसलिए अपना छपेगा तो उसका तो कोई वादे नहीं रखेगा कि हम लोग डिमांड कर रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आज दिल्ली वाले बना देंगे तो खाली यही चर्चा करते रहिएगा कि केंद्र ने दिल्ली पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फायदा लीजिएगा।
बहरहाल सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र पर जितना आक्रोश दिखाना था दिखा लिया। बात सिर्फ बिहार के विकास की गति को लेकर थी, जो नीतीश के मुताबिक बीजेपी के साथ मिलकर नहीं हो पा रही थी। अब जेडीयू और आरजेडी की नवगठित महागठबंधन सरकार बिहार की समस्याओं का क्या निपटारा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी।